नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों की तरफ। आजमगढ़ की सगड़ी तहसील क्षेत्र के खालिसपुर पेट्रोल पंप पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर तहसील के खालिसपुर स्थित पेट्रोल पंप पर शुक्रवार को अजित राय के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना देकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महंगाई के खिलाफ आंदोलन की जंग और तेज करने का आह्वान किया। धरना सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के जिला महामंत्री अजित राय ने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकारें गरीब और किसानों को बर्बाद करना चाहती हैं। केंद्र और राज्य की दोनों सरकारें बुरी तरह से फेल हो चुकी हैं। महंगाई पर इनका कोई कंट्रोल नहीं है। बेतहाशा महंगाई से प्रदेश की जनता की कमर टूट गई है। और क्या कुछ कहा सुनवाते हैं। मेरा नाम अजित राय है, मैं जिला महामंत्री कांग्रेस कमेटी आजमगढ़। आज किस तरह का प्रदर्शन किया है? ये प्रदर्शन जो पेट्रोल और डीजल की मूल्य वृद्धि को लेकर है, पूरा देश कोरोना आपदा में पीड़ित है, अर्थव्यवस्था की रीढ़ टूट चुकी है। लेकिन जिस तरीके से सरकार अपने मनमानी और जन विरोधी नीतियों को लेकर पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी करती जा रही है, उससे किसान से लेकर और छोटे मध्यवर्गीय परिवार तक सभी लोग बहुत परेशान हैं। लेकिन सरकार को इस पे जू नहीं रेंग रही है और हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा ये जगह जगह पूरे देश में पेट्रोल पंपों पे इसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी क्रम में हम लोग आज ये अजमतगढ़ ब्लॉक के इस पेट्रोल पंप पे बैठे हुए हैं। धन्यवाद।